हेलो बच्चों, आज मैं आपको चैप्टर टू के टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के फर्स्ट टॉपिक जो कि है कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में बताऊंगी कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है और उसके टाइप्स के बारे में और उसका क्या यूज है। ये आज हम बारी बारी से करके जानेंगे, ठीक है, कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू वायर्स, ऑप्टिकल फाइबर और ऑप्टिकल लिंक्स, सो दैट वेरियस डिवाइसेस कैन इंटरैक्ट विद ईच अदर थ्रू अ नेटवर्क। द एम्स ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क इज द शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज अमंग वेरियस डिवाइसेस। इन द केस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क टेक्नोलॉजी दे आर सेवरल टाइप्स ऑफ नेटवर्क दैट वेरी फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स लेवल। नेटवर्क है क्या? व्हाट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क? जब दो या दो से अधिक डिवाइस आपस में कनेक्ट होकर इंफॉर्मेशन शेयर करती हैं तो उसे हम नेटवर्क कहते हैं। यह डिवाइस कंप्यूटर्स, सर्वर, मोबाइल, राउटर एक्सेट्रा हो सकते हैं। नेटवर्क में डिवाइसेस को दो तरह से टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके जोड़ा जाता है, वायर्ड और वायरलेस। वायर्ड कनेक्शन बनाने के लिए केबल जैसे कि ट्विस्टेड पेयर केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल तथा वायरलेस कनेक्शन बनाने के लिए हमें रेडियो वेव, ब्लूटूथ और सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप्स तीन तरह के होते हैं, लैन, मैन, वैन। लैन लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर इन अ स्मॉल एरिया सच एज अ बिल्डिंग ऑफिस। अ कम्युनिकेशन मीडियम सच एज ट्विस्टेड पेयर कोएक्सियल केबल एटसेट्रा वेयर यूज्ड इन लैन फॉर कनेक्टिंग टू और मोर पर्सनल कंप्यूटर्स। इट इज अ लेस कॉस्टली एज इट बिल्ड विद इनएक्सपेंसिव हार्डवेयर सच एज अ हब नेटवर्क एडाप्टर एंड एथरनेट केबल। द डेटा इज ट्रांसफर at an extremely faster rate in local area network. Local area network provide a higher security. किसी भी संस्था का local network या small area के network को LAN network कहते हैं, जैसे कि school, campus, hospital का network. Local area network बहुत high speed network होता है या एक कमरे एवं building तक ही सीमित रहता है। इसकी जो डेटा ट्रांसफर स्पीड होती है काफी फास्ट होती है। इसमें हमारा डेटा काफी सेफ और सुरक्षित रहता है। हमारे इसमें हम अपने डेटा को काफी अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और व्यवस्थित रूप से उसे रख सकते हैं। और ये सब किसमें पाया जाता है? लोकल एरिया नेटवर्क में, लैन में। मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। A metropolitan area network is a network that covers a larger geographical area by the interconnecting a different LAN to form a large network. Government agencies use MAN to connect to the citizen and private industries. In MAN, various LAN are connected to each other through a telephone exchange line. It has a higher range than local area network. यह network एक से ज़्यादा PAN, LAN आदि नेटवर्कों से मिलकर बना होता है। इसका दायरा सैकड़ों किलोमीटर होता है और यह एक बड़े शहर को आपस में जोड़ सकता है। मैन से एक शहर में मौजूद सभी छोटे बड़े नेटवर्कों को आपस में कनेक्ट करता है और इसमें स्कूल, कॉलेज, कैंपस, लैंड नेटवर्क, सरकारी संस्था आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। LAN और MAN के पास जो नेटवर्क आता है वही नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्क मतलब कि WAN। अब हम बात करेंगे WAN के बारे में, वाइड एरिया नेटवर्क। अ वाइड एरिया नेटवर्क इज अ नेटवर्क दैट एक्सटेंड ओवर अ लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया सच एज अ स्टेट और कंट्री। अ वाइड एरिया नेटवर्क इज अ क्वाइट बिगर नेटवर्क देन द LAN। अ वाइड एरिया नेटवर्क इज नॉट लिमिटेड टू a single location but less than our a large geographical area through the telephone lines, fiber optical cable or satellite link.
The internet is one of the biggest one in the world. A wide area network is widely used in the field of business, government and education. वाइड एरिया नेटवर्क, वैसे तो ये सबसे बड़ा नेटवर्क है जो कि पूरे ग्लोब के कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके रखता है। इसको वैन भी बोला जाता है। वाइड एरिया नेटवर्क को लैन ऑफ लैंड बोला जाता है। इस नेटवर्क की खासियत है कि डेटा रेट कम है लेकिन ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है। वाइड एरिया नेटवर्क का सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने है इंटरनेट। वैसे तो बहुत सारे वाइड एरिया नेटवर्क हैं, जैसे पब्लिक पैकेट नेटवर्क, लार्ज कॉर्पोरेट नेटवर्क, मिलिट्री नेटवर्क, बैंकिंग नेटवर्क, रेलवे रिजर्वेशन नेटवर्क और आखिर में एयरलाइंस रिजर्वेशन नेटवर्क। वैन के जरिए नेटवर्क की सुविधा देने वाली कंपनी को नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं। इनको नेटवर्क का कोर बोला जाता है। वैन को सबसे महंगा नेटवर्क बोला जाता है क्योंकि इसमें कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, जैसे कि सोनेट और एटीएम। इसकी कुछ खासियत है, बड़े ज्योग्राफिकल एरिया जैसे कि दो देशों को आपस में इस नेटवर्क को कनेक्ट करके रखता है। इसकी ओनरशिप पब्लिक और प्राइवेट होती है। इस नेटवर्क को इंस्टॉल और मेंटेन करना डिफिकल्ट होता है। इसमें डेटा ट्रांसमिशन स्पीड स्लो होती है।